हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 84 और ये केजी से दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए है और डेट है 10 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का वर्कशीट करते हैं। आज के वर्कशीट में हमें होम स्वीट होम के बारे में जानना है। सबको अपना घर प्यारा होता है, ठीक ना, चाहे वो घर किसी भी तरह का हो। सब लोग अपने घर को अपने हिसाब से सजा कर रखते हैं और अपने घर को अच्छा होम बोलते हैं, अच्छा घर बोलते हैं। करा हेलो चिल्ड्रन, वी ऑल लिव इन हाउसेज, हम सभी घरों में रहते हैं, ठीक ना। डियर चिल्ड्रंस, हम सभी घरों में रहते हैं। कैन यू राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हाउस यूजिंग द हिंट बॉक्स, आप हिंट बॉक्स में घरों के पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ हिंट्स बॉक्स दिया हुआ है, ठीक। तो इस हिंट्स बॉक्स में हम घरों के नाम लिखेंगे। ये जो हिंट दिया हुआ है और डबल ओएफ है, तो यहाँ होगा रूफ। रूफ मतलब क्या होता है, छत, ठीक ना। तो यहाँ होगा रूफ। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ आपके लिए। रूफ, रूफ मतलब छत हो गया। और चिमनी है, तो चिमनी के आगे क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे तो चिमनी हो जाएगा। ये हो गया सी, सी एच आई एम एन ई वाई, चिमनी। ये घर की चिमनी हो गई। अब यहाँ पर दरवाज़ा है और दरवाज़ा के सामने डबल ओ आर लिखा हुआ है, तो निश्चित है कि यहाँ डी होना चाहिए। तो आप यहाँ डी लिख दो, ये हो गया डी डबल ओ आर, डोर, ठीक। यहाँ हिंट्स भी दिया हुआ है, ठीक ना। नीचे यहाँ लिखा हुआ भी, आप उसको देखकर भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट है, यहाँ होगा डब्लू मतलब विंडो, ठीक। तो ये हो गया रूफ, हो गया चिमनी, हो गया डोर, हो गया और विंडो हो गया। आपके घर के सारे पार्ट्स तैयार हो गए, बन गए। नेक्स्ट अब देखते हैं, कह रहा है बी क्वेश्चन है, एनिमल्स आल्सो हैव होम्स, एनिमल्स के भी घर होते हैं, ठीक। तो बट द फॉलोइंग एनिमल्स आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स, इसमें से कुछ एनिमल्स अपने घरों से दूर हैं। विल यू हेल्प देम रीच देयर होम्स, क्या आप उनको घर पहुंचाने के लिए मदद करेंगे, घर पहुंचने में मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग हेल्प करना शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ है काऊ, तो काऊ कहाँ रहती है, काऊ रहती है शेड में, तो इसको हम शेड से मिला देंगे, ठीक। और यहाँ बर्ड है, तो बर्ड कहाँ रहती है, रहता है, तो बर्ड रहता है नेस्ट में, ठीक। और डॉग कहाँ रहता है, तो डॉग केनल में। और शेर कहाँ रहता है, तो ये रहता है डेन में, ठीक। तो हमने इनके घरों को मिला दिया, ठीक ना। और अब आप देख लीजिए, काऊ शेड में, बर्ड नेस्ट में, डॉग केनल में और लायन डेन में, ठीक। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इसको कैसे मिलान करना है, मैच हो गया इसका। अब है यहाँ पर कि नाउ राइट द सेम इन द वर्ड्स, आपको सेम वर्ड्स लिखना है। ए बर्ड लिव्स इन ए, कहाँ रहती है, नेस्ट में, ठीक। तो यहाँ हम नेस्ट लिखेंगे, ठीक। ए डॉग लिव्स इन ए केनल, ठीक। एंड नेक्स्ट है, ए लिव्स इन ए क्या है, तो आप ए लाइन लिख सकते हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं लाइन लिख सकते हैं, बर्ड के बारे में तो हो गया, काऊ हो गया, बर्ड हो गया, तो लाइन ही बचा है ना। तो लाइन के लिए लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, तो लाइन लिव्स इन ए डेन। यहाँ पहले आप लाइन लिख दें, एल आई ओ एन, लाइन, लाइन लिव्स इन ए डेन, ठीक। हो गया बच्चों, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट देख लिया आपने क्या करना है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट बचता है, यहाँ कह रहा है व्हाई डू वी नीड ए होम टू लिव इन, डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, हमें घर की आवश्यकता क्यों है, हमें रहने के लिए घर क्यों चाहिए, अपने माता पिता से बात कीजिए। तो ये काम आपको अपने माता पिता से करना है। आपको पूछना है कि हमें रहने के लिए घर क्यों चाहिए, क्या हम बिना घर के नहीं रह सकते हैं, घर में ऐसी क्या चीज़ है जो बाहर नहीं मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। घर से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।